तो पहले पार्ट में आपने देखा कि हम घर पर आते हैं और घर के बाहर हमको एक बाबा मिलता है जो कि बोलता है कि इस घर में चुड़ैल का साया है, लेकिन हम उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद आती है हमारे घर में एक प्यारी सी नई किराएदारनी जिस पर मेरा, डिकरो का और पापा का आता है दिल, और हम तीनों उस पर लट्टू हो जाते हैं। कभी मैं, कभी डिकरो, कभी पापा, हम उससे बहुत सारी बातें करते हैं, पटाने की कोशिश करते हैं। और फिर मम्मी को पता लगता है कि उसके अंदर एक सचमुच की चुड़ैल है, और थोड़ी देर बाद पापा को भी पता लग जाता है कि उसके अंदर एक चुड़ैल है, लेकिन हम मम्मी पापा की बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। डॉली जी के कमरे में जाते हैं उनको चेक करने के लिए, और फिर हम दोनों को भी पता लग जाता है कि उसके अंदर एक सचमुच की चुड़ैल है। तो जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो यार सबसे पहले पहला पार्ट देखो, क्योंकि सेकंड पार्ट फिर आपके समझ नहीं आएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सुनो बेटा, मेरे को लगता है वो कमरे से बाहर आके हम सबको मारना डाले खा जाए। जैसा करो यहाँ से बाहर निकलो, जल्दी निकलो, भागो। अरे भाग ले। अरे पापा अब हम क्या करें, इस घर में तो सचमुच की चुड़ैल है। अरे बेटा चलो भाग लो। अरे मम्मी भागने से क्या होगा, कुछ सोचो ना, भाग तो कितनी दूर भी चले जाएंगे हम। अरे मोटे दिमाग तो चुप रहे, कुछ सोचना है। मेरी तरफ ना देख, कुछ सोच रहा हूँ मैं। आइडिया, पापा आपको याद है हमारे घर उस दिन बाबा आया था? हाँ। वो क्या बोल रहा था कि इस घर में चुड़ैल का साया है। हाँ। तो बाबा के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही कुछ ना कुछ इसका हल निकालेगा। सही कह रहा है पापा, उसी बाबा के पास चलते हैं। अरे कितना इंटेलिजेंट प्राणी पैदा हो रखा है यार। अबे बजर बट्टू कुछ सीख इससे। अरे वो इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, तेरे जैसा है मोटा दिमाग। अरे यार अब चल भी लो, क्यों बहस कर रहे हो। चलो बाबा जब चलते हैं। उधर एक काम करो, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। कोई नहीं है, ढूंढो। और डरियल बाबा, वो चरसी बाबा मिलेगा कहाँ? मिलेगा तो मिलेगा, हमको पहचानेगा भी। खंबे के पीछे देख लिया, वहां पे भी नहीं है, झाड़ियों में भी नहीं है, कहाँ हो? अबे तू है क्या? एक काम कर, तू उधर देख, मैं उधर देखता हूँ। नहीं नहीं, तू उधर देख, मैं उधर देखता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा उसे, उधर जा। अबे कहाँ है बे? एक काम करता हूँ, वहां देखता हूँ। अरे कहीं नहीं मिले यार वो बाबा, क्या करे भाई अब। बेटे बाबा बेशक ना मिला, इसका वजन कम हो गया। निको मजाक चल रहा है, ओए कभी इस खंडर में ना हो। चमुंडा! अरे पापा, बाबा मिल गए पापा। प्रणाम बाबा जी। हमारी प्रणाम। हाथ जोड़ो। कौन है दुष्ट, क्यों मेरी साधना खराब कर रहा है? बाबा जी बहुत बड़ी समस्या है,
कुछ समाधान करो। तू तो वही है ना, सतीश शर्मा। ये तो मेरा नाम भी जानता है। तुम लोगों को तो आना ही था। अरे पापा, बाबा तो अंदरिया में लगते हैं मेरे को। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। अरे तुम्हारे घर में क्या टेंशन है मुझे ये भी पता है, यहाँ तक कि तेरा बैंक अकाउंट नंबर भी पता है बाबा को। चमुंडा यूज तो नहीं किया ना बाबा जी? वो चुड़ैल बहुत परेशान कर रही है हमको, उसे छुटकारा दिलाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो आटा मांगने वाला बाबा हूँ ना, चल जाओ यहाँ से। हाँ मुझे पता था, इसलिए आज 1 किलो आटा लेके आया हूँ। डोंट इरिटेट मी। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर पे चुड़ैल का साया है। अरे वही तो बाबा जी, हम भी बोल रहे हैं चुड़ैल का साया है, हमारी मदद कीजिए प्लीज, उस चुड़ैल को भगाइए प्लीज। बाबा के डेरे पे आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। चलो चलो बाबा जी, बाबा जी आ जाओ। अरे जल्दी आओ ना, खिड़की ले लो। तुम जाओ, तुम चले जाओ। पहले तू कर ले, समझाओ इसे। पीछे बड़ा तगड़ा साया है, कोई और होता ना निकाल नहीं पाता। बाबा जी यहाँ बैठ जाइए हमारे सामने। चमुंडा जाओ, उसे बुला के लेकर आओ। जाओ उसको बुला के लाओ। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं। बड़े बेटा जब बुला के ला उसको। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा चुड़ैल के पास। छोटे मेरे लाल, जाइयो मेरे लाडले, बुला के ला उसको। अरे पापा मैं नहीं जा रहा, मेरे को डर लगता है बहुत। कमीनो, मटर पनीर खिलाने के लिए तो जिद थी, मैं जाऊंगा। अब जान निकल रही है। बाबा जी सब के सब डरपोक हैं, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। चमुंडा ऑल द बेस्ट, लगता है इस बाबा को ही साफ कर देगी। चमुंडा दरवाजा खोल। अरे चुड़ैल दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। चमुंडा चमुंडा, अब मैंने इस लड़की में से चुड़ैल को निकाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने हमारी इतनी बड़ी समस्या का निदान कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी थैंक यू। तो मैं जाऊं? जी धन्यवाद, पधारिए। तो मैं जाऊं अब? हाँ जाओ। तो मैं जाऊं क्या चमुंडा? अच्छा यूं? हाँ हाँ ठीक है जाओ। होम बैट। अरे मूर्ख, मेरी फीस, मेरी दक्षिणा। हो अरे पापा दक्षिणा तो बनती है, दे दो दे दो। वैसे कितनी दक्षिणा चाहिए? बस एक। एक बस दिमाग खराब हो रखा है, एक बस कहां से लाएंगे?
अरे एक एक करेंसी एक। ओ ए, सुनो वो मंदिर में से एक का सिक्का लेके आओ, जल्दी दो अभी। ए पागल, एक रुपया कौन देता है, 101 तो दे दो। अरे वे इधर। अरे यार मम्मी पापा 101 का जमाना गया, 1001 रुपए मांग रहे बाबा जी। मूर्ख, एक का मतलब 1,00,000 रुपए। एक लाख देने पड़ेंगे बेटा। मैंने बबीता जी की शॉपिंग के लिए छुपा के रखे थे तुम्हारे तकिए के नीचे। अभी लाया। कोई बात नहीं पापा, कम से कम डोली जी के अंदर से चुड़ैल तो निकल जाएगी, 1,00,000 रुपए तो और कमा लेंगे। जल्दी लेके आ बतीरे दे। पापा जी 1,00,000 पूरे है ना, तो लो पूरे ही निकलेंगे। चमुंडा खाना खाओ बे। अरे वो डोली जी को भी बुला ला, वो भी खा लेगी। अभी जाते हैं, बुला के आते हैं। अरे तुम रुको, मैं बुला के लाती हूँ अपनी बेटी को। अरे डोली बेटा, बेटा खाना खा ले। नहीं खाऊंगी, बोला ना नहीं खाऊंगी। अरे अरे उसके अंदर तो दोबारा से आ गई चुड़ैल। क्या? अरे मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप, कल तो वो बाबा निकाल के गया था उसमें से चुड़ैल। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं देखो देखो रुए रुआ, मैं बहुत डर लग रहा है मेरे को। चलो पापा एक बार देख के आते हैं। चलो चलो। पापा फिर से चुड़ैल। पापा आप जल्दी से उस पापा को बुलाओ फिर से। चामुंडा जल्दी आ। चामुंडा इस बार मैंने इसमें से चुड़ैल पूरी तरह से निकाल दी। वो तो पिछली बार भी निकाली थी। अरे मूर्ख, वो सब तुम्हारे कर्मों की वजह से, तुम्हारे कर्मों की वजह से वो चुड़ैल वापस आ गई इसमें। तुम्हें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी मेरे को इसमें से चुड़ैल निकालने के लिए। अब निकल गई। निकल गई ठीक है, आप भी निकलिए जाइए, धन्यवाद। अरे सुनो सुनो सुनो, ये पिछली बार की तरह नहीं, दुगना तिगना काम किया है मैंने। चुड़ैल को इस वक्त पता नहीं कहां पहुंचा दिया मैंने। अब की बार पैसे से काम नहीं चलेगा। तो इस बार कंगन चाहिए सोने के। ओ मेरे कंगन, मेरे कंगन। चमुंडा। अरे कोई बात नहीं मम्मी, कंगन तो दूसरे आ जाएंगे, डोली जी थोड़ी आएंगी दूसरी। एडजस्ट करना पड़ेगा पापा। चलो बेटा। अरे पापा आपने एक चीज नोटिस करी? क्या? वो बाबा परसों भी आया था चुड़ैल निकाल के चला गया, और वो बाबा आज भी आया चुड़ैल निकाल के चला गया। मुझे तो पापा कुछ झोल लगता है उस बाबा में। यार डाउट तो मुझे भी है, पर अब हम करें क्या, उसकी बात तो माननी पड़ेगी हमें। सही कह रहे हो पापा, ये तो बात तो माननी पड़ेगी। अरे सुनो, तुम ऐसा करो
सब्जी भी ले आओ और कुछ फ्रूट भी ले आओ। ठीक है मम्मी। आओ बेटा चलते हैं। आओ बेटा कुछ सब्जी और फ्रूट वगैरह। अबे साला ये क्या जुगलबंदी है? पापा ये तो ढोंगी निकला। मतलब ये चुड़ैल चुड़ैल नहीं है और ये बाबा बाबा नहीं है। हाँ पापा। अबे साला हम दुनिया के सबसे बड़े फुद्दू हैं। हाँ पापा इसने हमने सबका फुद्दू काटा है। चलो बेटा आज इस बाबा और इस डोली जी को ही देखना है। जल्दी आओ। तू कहाँ चली? डोली जी चुड़ैल किराएदार निकल जा हमारे घर से। झूठी कहेगी मकर तेरे तो मटर पनीर खाएगी। मटर पनीर डराया था ना? तो पापा इसने मम्मी को भी डराया था। हाँ मेरी बीवी को डराया। पर लड़की है यार हम कर भी क्या सकते हैं। अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे उस बाबा ने बोला था ये सब करने के लिए। मुझे धमकी दी गई थी। भूल गई क्या अपना वादा? बाबा वादा तो याद है पर मैं क्या करूँ? अरे तेरे को मैं फिर से चिड़िया बना दूंगा। नहीं बाबा नहीं फिर से चिड़िया मत बनाना। अरे फिर फड़फड़ाती रहे जहां जाए मन करे। पर तेरे को अगर इस शरीर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। करूंगी बाबा करूंगी जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी। अरे तेरे को पता है मुझे एक हफ्ते के अंदर इन घर वालों का सारा सामान साफ करना है समझी? अच्छा डोली जी ये बात थी हमें नहीं पता था। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। हमें लगा आप बाबा जी से मिले हुए हो। हाँ और हमें लूट रहे हो। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं आप आ जाओ यहीं पे रहो हमारे साथ आ जाओ। अरे तुम इस चुड़ैल को फिर ले आए? अरे मम्मी ये चुड़ैल नहीं है ये बहुत अच्छी लड़की है। अरे मम्मी हुआ यूं कि हम जब बाहर गए थे ना वो बाबा ढोंगी निकला और वो इसको पागल बना रहा था किसी चीज को लेकर। हमने इसको फिर बचा लिया इसने हमको सारी प्रॉब्लम बताई फिर हम इसको अंदर ले आए और बाबा को भी हमने खूब पिला। हाँ भगा दिया उसको ढोंगी निकला वो पागल बना रहा था हमको। अच्छा तो ये हुआ। अरे तो बेचारी। अरे बेटा देख चुड़ैल आ गई। डोली जी आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना हमें पता है मैं चुड़ैल हूँ। कॉमेडी आप हमें कितना भी डरा लो हम तो डरेंगे ही नहीं क्योंकि हमें पता है डोली जी हो। अब हम नहीं डरने वाले। अरे यार डोली जी क्यों मजाक कर रहे हो यार हम पता है हमको आप कौन हो ठीक है। चुड़ैल है। अरे मजाक कर रही यार वो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अच्छा अगर आप चुड़ैल हो ना तो हवा में उड़ के दिखाओ 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 दिखाओ। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे देखो तुम आप। मैंने कहा था ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ कुछ भी एक एक करके तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर दूंगी। हे
हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो सारी जगह, और मेरे चैनल द शिवम को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। साइड में घंटा है उसे भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो आए हमारी। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ऐड कर लो यार फटाफट से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर थर्ड पार्ट चाहिए इस वीडियो का तो जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत सारे 5000 कमेंट का एम रखते हैं, जल्दी से करवा दो और वीडियो आ जाएगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू।